बहुत बड़ा सीक्रेट है, ध्यान देंगे। आत्मा यहां बैठकर सोच रही है, उसकी एनर्जी सीधा ब्रेन को जाती है, ब्रेन से फिर बाहर फैलती है, प्रकृति में जाती है। अगर आप उल्टा सोच रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड माइंड से सोच रहे हैं, डाउटफुल माइंड से सोच रहे हैं, तो ये एनर्जी पहले ब्रेन में जा रही है, फिर बाहर फैल रही है, प्रकृति से इसका रिएक्शन हो रहा है और वही चीज बनकर वापिस आपके पास आ रही है। आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, ये नेगेटिव थॉट्स प्रकृति में जा रहे हैं और प्रकृति से वैसे वाइब्रेशंस आपको आएंगे जो आपका खेल बिगाड़ देंगे। संसार की हर घटना के पीछे, हमारे भाग्य के पीछे, हमारी सफलता के पीछे, हमारे संबंधों के सुख के पीछे हमारे ये विचार ही काम कर रहे हैं। इसलिए आज से, अब से एक सुंदर विचार करेंगे सभी, मेरे साथ अब से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप 21 दिन कर दें रोज सवेरे 3 बार, फिर आदत बन जाएगी। 21 दिन हम इसलिए कहते हैं ताकि वो आदत बन जाए, तो कहीं भी कुछ हो आपको वही संकल्प आएगा, नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं आपको वो संकल्प देता हूं, वो करें और अपने अंदर समा दें उनको बिल्कुल। मैं भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूं, स्वीकार कर लें। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्वयं भगवान मेरे परम पिता हैं, उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कार्य के साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ओम शांति। 7 बार कर लेंगे और 7 दिन तक कम से कम रोज 3 बार सवेरे, दिन में भी कर सकते हैं, सोते भी कर सकते हैं, बस सवेरे का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपसे कभी छूट जाए, कभी भी आप अपने कार्य पे जाते हैं, आपको बड़ी दुकान है, वहां प्रवेश करते हैं, वहां संकल्प कर लें, बहुत गुड रिजल्ट है। हमने तो भगवान के महावाक्य सुने हैं, हमेशा मुख से बोलो सब कुछ अच्छा होगा, तो अगर बुरा होने वाला है वो भी अच्छे में बदल जाएगा। भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य का निर्माण करना है हमें, चिंता नहीं।